मध्य प्रदेश 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को बदहाल कर दिया है, आर्थिक हालत कमजोर कर दी है, गरीब मजदूर किसान किस परेशानी से वो जीवन यापन कर रहा है ये आप आदमी जानता है। हमारा संकल्प है कि एक नया मध्य प्रदेश समृद्ध हर समाज को साथ लेकर, किसान भाइयों की उन्नति को लेकर और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का अवसर का संकल्प लेकर ये वनवास समाप्त करने का प्रयास। कई जगह पर ये पार्टियों में स्वाभाविक है कि टिकट के लिए दिक्कत रहती है और जब ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक है पहले दो चार दिन थोड़ा बवाल मचता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अभी तक सिर्फ 177 लोगों की सूची जारी कर पाए हैं और वहां पर बवाल इतना है कि मुख्यमंत्री निवास को ही घेराबंदी कर रखा है। सर प्राथमिकताएं वह सब हैं जो जनता के हित में हैं, जनता जो मांगती है वही मेरी प्राथमिकता है। मैंने अपनी ओर से जो वादे किए हैं उन्हें मैंने पूरा किया है। जनता को राजनीति के किसी भी नेता के लिए ये ज़रूरी होता है कि सही सुझाव भी दे, जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित भी करे, ऐसा हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रयास किया है और इसके लिए जनता जनार्दन की ओर से हमें हमेशा रिस्पॉन्स मिला है। जनता जनार्दन सीढ़ी के विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वही मेरी प्राथमिकता है और सीधी के जनता का हित ही मेरी प्राथमिकता है। आप इस मुद्दा विगत 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हमेशा ढोल पीटती रही कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम कर रहे हैं, इसके पहले कांग्रेस ने कभी विकास किया नहीं, ये सब बेनकाब करना आवश्यक है। पार्टी में बगावत के सुर हैं, थोड़ा बहुत ये चलता, हर जगह घटनाएं होती रहती, भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई से प्रमुख नेता पार्टी छोड़ दिए, हमारे कांग्रेस में थोड़ा बहुत है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण कुमार सिंह भंवर साहब सपा के प्रत्याशी, चाहे किसी भी दल का हो थोड़ा बहुत प्रभाव तो डालते ही है, लेकिन मेरी मान्यता है कि मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस और भाजपा दो ही दल ऐसे हैं जो कि प्रभावी हैं, जनता जिनके बारे में निर्णय लेती है अभी तक के इतिहास में। दूसरे दल भी हैं, फुटफुट कहीं कोई घटनाएं हो जाती हैं, कहीं कोई सफलता किसी को मिल जाती है, उसकी बात अलग है, लेकिन इस बार कांग्रेस की लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।